हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी जो कि है यूनिक भेलपूरी। तो इसमें यूनिक क्या है पता है, जब भी हम समोसा चॉप वगैरह मंगाते हैं तो कभी कभी हो जाता है ना कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मंगा लेते हैं एंड देन वो बच जाती है, तो इस भेल में हम उसी को यूज़ करने वाले हैं सो दैट वो वेस्ट भी ना जाए और हम टेस्टी सी भेलपूरी भी खा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले हम ऑब्वियसली मुड़ी लेंगे, भेलपूरी मुड़ी के बिना तो अधूरी है। तो मुड़ी डाल लेने के बाद आप जितनी चाहो उतनी मुड़ी डालो, मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। एंड अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है समोसा कटलेट वगैरह बच गया था, तो वो सब मैंने इसमें चुरा चुरा करके डाल दिया है, मतलब छोटे छोटे पीस में तोड़ के डाल दिया है। एंड फिर हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च छोटा छोटा चॉप करके। एंड अब आप जो भी डालना डालो, मैं यहाँ पे हल्दीराम का भुजिया डाल रही हूँ और फिर चनाचूर जो भी घर में बचा है वो भी डाल लो। मैंने चनाचूर डाला, फिर वो आलू के जो छोटे छोटे लंबे लंबे भुजिया आते हैं ना वो भी डाला, फिर उसमें मैंने पुदीने की चटनी डाली। पुदीने की चटनी डालने के बाद फिर मैंने इसमें इमली की चटनी डाली, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा मस्त एकदम। फिर हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो, एंड फिर काली मिर्च। एंड उसके बाद इसमें हम एक लेमन भी स्क्वीज़ कर लेंगे, मस्त खटास आएगी इससे। और थोड़ा सा इसमें हम केचप भी डाल लेंगे। ये सब डालने के बाद ना हम लोग इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ना बहुत ही टेस्टी पार्टी स्नैक है, आप इसको आराम से जब भी कोई आपके गेस्ट घर पे आ रहे हैं तो आप मस्त सी प्लेटिंग करके भी बना सकते हो इसको। मैं आपको प्लेटिंग करने का भी तरीका दिखाऊंगी। एंड इसको हम कोरिएंडर से ऐसे गार्निश भी कर लेते हैं। तो ये हो गई है हमारी यूनिक भेलपूरी रेडी। तो चलिए अब इस भेलपूरी को हम लोग अच्छे से एकदम मस्त तरीके से प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है हमारा प्लेटिंग यूटेंसिल, इसमें हम डाल रहे हैं हमारा भेलपूरी, अच्छे से एकदम फिल करेंगे। टॉप में फिल कर लेने के बाद ना हम इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फिल करेंगे, जैसे कि ये ना ऐसा लगे, ये दिखता जो यूटेंसिल है एकदम आइसक्रीम कोन जैसा है, तो जैसे हम लोग आइसक्रीम का स्कूप डालते हैं ना एकदम उसी के तरह इसमें भी हम लोग स्कूप के तरीके का डालेंगे हमारी भेलपूरी, ताकि ये एकदम स्कूप जैसी दिखे। देखिए मैं इसको परफेक्ट राउंड शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। एंड फिर हम इसमें डालेंगे सेव ऊपर से मस्त गार्निश के लिए, आप चाहो तो कोरिएंडर भी डाल सकते हो। तो ये हो गई हमारी यूनिक भेलपूरी विद यूनिक प्लेटिंग स्टाइल रेडी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा यम है। इसमें जो बीच में समोसा कटलेट वगैरह का टेस्ट आ रहा है ना, वो और भी इसके टेस्ट को एनहेंस कर दे रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।